दोस्तों आज आप देख रहे हैं बजाज पल्सर न्यू 125 2024 का नए ग्राफिक के साथ। इस बाइक की माइलेज कितनी है, सीट हाइट कितनी है, इस बाइक की टॉप स्पीड कितनी है, सारा कुछ इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। बस बने रहें वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले अगर हेडलाइट वाइजर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ग्रीन और ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाइक देखने में। और वही स्टिकर इसके अलाइबल पर भी मिल जाएगा। और फ्रंट में टेलीस्पोकिक सस्पेंशन मिलेगा, और यहाँ पर डबल पिस्टन का कैलिपर मिल जाएगा। 240 mm की डिस्क ब्रेक इस बाइक में मिलेगी। 8017 का ट्यूबलेस टायर इस बाइक में मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 35 वाट की हैलोजन बल्ब इस बाइक में मिलेगी, और वही फ्लेक्सिबल इंडिकेटर इस बाइक में मिलेंगे, हाल ही से टूटते नहीं हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस कलर में बाइक देखने में। और टैंक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पल्सर 3D में मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीन और ग्रे का कॉम्बिनेशन, और यहाँ टैंक काउल लगा हुआ है बड़ा सा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, भारी भरकम सा लग रहा है। और इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11.5 लीटर की है। और यहाँ पर अगर टेल लाइट काउल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 125 वाइट में और ग्रीन और ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और गैब्रेल यहाँ पर मिल जाएगा, और सिंगल सीट इस बाइक में मिलेगी। और पीछे की साइड में इंडोरेंस के नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 130 mm की ड्रम ब्रेक इस बाइक में मिलेगी पीछे की साइड में, और वही स्टिकर इसके अलाइबल पर भी मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर देखेंगे 190/17 का ट्यूबलेस टायर इस बाइक में मिलेगा। और साइलेंसर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैट ब्लैक में साइलेंसर मिलेगा, और ब्लैक कलर में साइलेंसर की कवर बाइक में मिल जाएगी। और इस बाइक का इंजन एक बार देख लीजिए भाई, इसमें किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है बाइक देखने में इस कलर में। और इस बाइक का इंजन है 124.38 cc का एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व के साथ ये बाइक आती है। और इस बाइक की मैक्सिमम पावर है 8500 rpm 11.8 PS की पावर, और 6500 rpm 10.8 Nm की टॉर्क जनरेट करती है बाइक। और एक बार हम इसका राइट साइड से लुक दिखा देते हैं भाई, कैसी लग रही है। तो भाई कैसी लग रही है यहाँ पर देख लीजिए, वही स्टिकर इसके यहाँ पर मिल जाएंगे, और पीछे में LED टेल लाइट मिलती ही है, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, नंबर प्लेट लगाने की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। और इस साइड से अगर आप देखेंगे तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। और इस बाइक में 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा, सिंगल स्पार्क प्लग के साथ ही बाइक आती है, और सिंगल हॉर्न इस बाइक में आपको मिलेगा, और मेटल में चैन कवर इस बाइक में मिल जाएगी। और इस बाइक की सीट हाइट है 790 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, और व्हील बेस 1320 mm इस बाइक में मिल जाएगा। और इस बाइक की पूरी लंबाई है 2055 mm, और चौड़ाई 755 mm इस बाइक में मिलेगी। और एक बार इस साइड से देख लीजिए भाई, फ्रंट से कैसी लग रही है बाइक देखने में। और इस बाइक की टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर प्रति घंटा ये बाइक चलेगी। इस बाइक का कर्व वेट है 140 kg, और अगर स्प्लिट सीट वाली बाइक होती तो इसका कर्व वेट 142 kg है। तो एक बार इस साइड से बाइक देख लीजिए, देखने में कैसी लग रही है एक नए स्टिकर के साथ ही बाइक। एक बार हम इसका मीटर कंसोल ऑन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो E20 वाली बाइक हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हाफ़ एनालॉग हाफ डिजिटल मीटर इस बाइक में मिलेगा। और एक बार हम इसके चाबी ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड, बैटरी लो, और यहाँ पर स्पीड मीटर, और यहाँ पर IFE, यहाँ पर AFE, और इस साइड अगर आप देखेंगे डिस्टेंस टू MPT यहाँ पर बताएगा, फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर बताएगा, और यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं बटन से। तो एक बार हम इसका चेंज करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर ट्रिप 1, ट्रिप 2 इस बाइक में मिल जाएगी, और यहाँ पर RPM मीटर इधर मिलेगा, और RPM लिमिट लाइट यहाँ पर मिल जाएगी। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, और इंडिकेटर की बटन यहाँ पर मिलेगी, हॉर्न की बटन नीचे की साइड मिलेगी, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो पास की बटन यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पर किल स्विच मिल जाएगी, चेक इंजन लाइट यहाँ पर, और पास की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर की लाइट यहाँ पर बताएगी, और यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। और किल स्विच अगर ऑफ है तो यहाँ पर मीटर में कुछ नहीं शो करेगा, और जैसे ही ऑन करेंगे सारा कुछ इस मीटर में आ जाएगा फिर से।
यहाँ पर स्पीड मीटर और सारा कुछ इस मीटर में आ जाएगा, और ऑफ है तो इसमें इस तरह से बताएगी, और अगर ऑन है तो यहाँ पर स्पीड मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर सब बताएगी। और इस साइड यहाँ पर देखेंगे तो सेल्फ़ की बटन नीचे के साइड में मिल जाएगी। तो ये बाइक कैसी लग रही है 125 सीसी की सेगमेंट में, एक बार अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं रवि ऑटो सेल्स इनायत नगर अयोध्या, यहाँ से आप बजाज की किसी भी बाइक को आप ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और दिन नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।